गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और ये हमारी ट्रिप का डे 3 जो स्टार्ट होने जा रहा है, और आज हम निकलने वाले हैं खीरीगंगा ट्रैक के लिए। हम ऑलरेडी बरसैनी से कलगा तक आ चुके हैं। यही रात को कल हमने स्टे लिया था। अब कलगा से हमारा खीरीगंगा तक का ट्रैक है अप्रॉक्स 4-5 आवर्स का। तो भाई तो बोल रहे हैं तुम तो चढ़ जाओगे 4 घंटे में, अगर हम 5 घंटे लेके चल रहे हैं जो लोग बोलते हैं। और ये कुछ ऐसा व्यू है हमारे रूम से। आज बादल वगैरह नहीं है, वरना फॉग रहता ऊपर बहुत तो दिखता नहीं है। एक इस पेड़ के पीछे तो बिल्कुल ही वाइट है पहाड़, तो वो ऊपर से कहीं से दिखाऊंगा मैं। और नीचे जाके अपने कॉटेज दिखाता हूँ कैसे हैं। गेस्ट हाउस जो है ये ऐसा कुछ कल दिखाया था वैसे ही है। अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलेंगे ट्रैक के लिए। और सामान वगैरह हमने जैसे 3 बैग थे, मेरा बैग काफ़ी बड़ा था, तो 1-2 बैग यहीं छोड़ के जा रहे हैं सामान शिफ्ट करके। जो नहीं यूज़ करने के, जो सिर्फ यूज़ करने कल, वही सामान लेके जा रहे हैं परसों तक, जो सामान हमें यूज़ करना है। तो ठंडे कपड़े लेके जा रहे हैं थोड़े बहुत, और क्या है शॉल वगैरह, और नहाने के लिए जो एक वहाँ पर, क्योंकि वो गर्म पानी आता है तो वहाँ नहाएंगे। तो यही है बस सीन। देखो वो रहे और पहाड़। तो एक कल काफ़ी सारा फॉग हो रहा था, तो फॉग की वजह से नहीं दिख रहे थे। तो अभी यहाँ पर सामने नाश्ता करेंगे, कलगा में एंट्री होते ही ये शॉप्स पड़ती हैं, नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके निकलेंगे फिर ट्रैक के लिए। ट्रैक स्टार्ट हो चुका है वो हमारा, थोड़ा सा चला है वो पत्थर जो है उसी के पीछे हमारा कैफे था। और ऐसा कुछ है ट्रैक, ऐसा ही रहने वाला है पूरे रास्ते। बीच बीच में व्यूज मिलेंगे अच्छे अच्छे। 9,600 फीट पर है खीरीगंगा, बोले तो 2,000 मीटर की एलिवेशन पर। अभी तो बीच बीच में कुछ कैफेज वगैरह मिल जाएंगे, फिर 3-4 किलोमीटर कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से निकलते ही। जी खीरीगंगा चलोगे क्या भाई जी? गाइड बनोगे हमारे? अभी आए हो क्या भाई जी? नहीं जा रहे लगता है भाई जी, इग्नोर कर रहे हैं। अभी आए होंगे ना वो, और किसी को लेके नीचे। अभी हमको हमारा गाइड मिल नहीं रहा है। और ये देखो गाइस व्यू रास्ते में, बीच में चलते रहना है, बट ये पानी आ रहा है। झंडे वगैरह भी मिलेंगे बीच में। आप यहाँ से ट्रैकिंग शूज भी रेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ठीक ठाक थे सोल, मतलब इनके स्पोर्ट्स शूज थे, नीचे थोड़ा सोल वैसा था, तो रेंट शूज ले लिए। प्लस थोड़े वाटर प्रूफ भी होते हैं, कीचड़ वगैरह लगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है अपने, क्योंकि पूरी ट्रिप करनी है तो वो ख़राब हो जाते पानी वगैरह में, कीचड़ वगैरह में। बट मेरे थोड़े लेदर के सूख जाते हैं, तो इस वजह से मैं नीचे कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि उनका नीचे का जो क्या बोलते हैं बेस जो है वो सही है, उसकी पकड़ सही है। तो भाई जी इस पे से क्रॉस करना है, अब कैसे क्रॉस करना है ये थोड़ा हार्ड सा है मामला, दूसरे उस पे जाना है। ये देखो पीछे व्यू, रोहित भाई आ गए हैं, कमिंग ब्रो। ओ कोड़ा बाबा दे दे नोट छापण दी मशीन, सबकी बजा दू बीन। We'll be right back.
रास्ता चलने के लिए एकदम कैंट। रोहित भाई आगे आगे एकदम जा रहे, हम शूट करते हुए पीछे पीछे, और छोटे मोटे झंडे आ रहे हैं बीच में। मॉडरेट ट्रैक है, बीच बीच में हो रही है हालत ख़राब, बट करेंगे कवर। वो बोल रहे थे 5 घंटे लगेंगे, हम यहाँ कैफे में रुके तो वो भाई बोल रहे थे हम तो 2-2 घंटे में चढ़ जाते हैं, तुम बिना रेस्ट करे चढ़ोगे तो 3.5-4 घंटे में चढ़ जाओगे। अब हम सोच रहे हैं, देखते हैं कितना मिनिमम से मिनिमम लेते हैं, 1-2 मिनट रुक रहे हैं बस। यहाँ लगता है कि जल्द ज़्यादा सांस फूल जाती है, ऐसा कुछ रूट है। देखो कोई अपनी इनसे आया होगा, उन्हें उतार गया भाई। प्रॉपर शूज़ चाहिए यहाँ के लिए, नॉर्मल भी चल जाते हैं लेकिन तुम्ही को दिक्कत आएगी। तो देखो अंकुर ने जैसे लिए हैं, मेरे तो खैर लेदर कहते, नीचे इसका बेस जो है उसकी ग्रिप अच्छी है। रोहित ने भी रेंट किए शूज़। और ये रास्ता ऐसा कुछ, देखो पेड़ वगैरह टूटे पड़े हैं यहाँ पर, ये रहा कितने बड़े बड़े पेड़ टूटे हैं, इस तरीके से पेड़ टूट रहे हैं। मन तो कर रहा है पूरा गोप्रो लगाऊं सर पे एक कोई, और जितना भी ट्रैक है 4-5 घंटे का वही दिखाऊं, एक एक नज़ारा सीन है, एक एक बात करते हुए चलें। ऐसा है, अब देखो नीचे जाना पड़ रहा है, फिर ऊपर चढ़ेंगे। और रोहित सब को हम भी करते हैं ब्लॉगिंग बंद और पहुँचते हैं रोहित के पास। भी खीरंगा जा रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं सब लोग। देखो इनका भी 4-5 का ग्रुप है, सब लोग जा रहे हैं। अच्छा अच्छा चले गए, बोल रहे हैं 15 लोगों का ग्रुप है हमारा। आप ही की एज के हैं सब? फिर तो हमें मोटिवेशन लेनी पड़ेगी इनसे भी, ये कर रहे हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। देखो अंकुर भाई पीछे, रोहित आगे निकल गए। रोहित थोड़ी स्पीड पकड़ रहा है वीडियो के चक्कर में, पकड़ना पड़ेगा। कॉल आ रही थी अभी इसकी, यहाँ नेटवर्क आ रहे हैं, मतलब नेटवर्क जाएंगे ऊपर जाके, वाईफाई मिल जाएगा बट चार्जेस लगाएंगे उसके, या हम कोई कैफे सॉरी रूम्स वगैरह कैंप वगैरह ऐसा लेंगे जिधर मिल जाए। ओके देखो है ना रूट, इस तरीके से जाना पड़ रहा है। सही है, बारिश नहीं रही आज। ये रास्ते हैं, अरे अरे वो जा रही हैं और आंटियाँ उनके ग्रुप की। डैम से जो दो रास्ते डिवाइड हो रहे थे, एक तो जा रहा था तुम्हारा तोश की तरफ से, वो लॉन्ग था। दो रास्ते थे, एक कालगा की तरफ से और एक नक्तान की तरफ से। ये है वो नक्तान विलेज, ये पीछे ले लेंगे तो। नक्तान विलेज से लोग इस वजह से कम जाते हैं क्योंकि ये जो वो वाला ट्रैक जो है वहाँ पेड़ पौधे कम है, तो गर्मी ज़्यादा लगती है, धूप लगती है वहाँ पहाड़ पर, तो इस वजह से कम प्रेफर करते हैं लोग उस रूट को। गाइड मिल गया है, इसको पटा रहे हैं हम, खाएगा हाथ में खिलाओ एकदम। ये हमारे साथ चलेंगे अभी एक साथ, ये फीमेल डॉग मिली है हमें, आ जाओ चाय पिलाएंगे। ओके कम आओ, आगे चलो, चल आगे चलो, आ जाओ। स्कूटर ने तो डाल ले जिम में, ये चल रही अपने अलग अलग रूट से। आओ 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुक जा रहे तो आ जाता हूँ।
बड़ा व्यू, झरने आ रहे हैं भाई। हाँ ठीक है, एक और झरना आ रहा दिखा, एक ही है, दो हैं, एक पेड़ के पीछे भी है। एक और पुल आ चुका है यहाँ पर ट्रैक में। इससे पहले जो ट्रैक था ना भाई, खतरनाक ट्रैक था। इससे जस्ट पहले जो अभी करके आए हैं, ये थोड़ा सा जो पोर्शन था ना, बहुत खतरनाक पोर्शन था। और ये देखो प्रॉपर जंगल वाली आवे भाई, ये जा रहा पानी, अभी ऊपर चढ़ना है। खतरनाक है भाई, खतरनाक। ये देखो व्यू, ये देखो ट्रैक, इससे तगड़ा था पीछे जो था भाई, बहुत तगड़ा। चलते हैं आप। आज धरती से चमन का, फूलों से पवन का हो रहा मिलन, जादू 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 जादू। 2.5 घंटे हो गए हैं चढ़ते चढ़ते, और लास्ट पैच बचा है 15-20 मिनट का। और ये है वो, बहुत ही खतरनाक ट्रैक है भाई, मतलब बिल्कुल स्टीप है, बहुत स्टीप है, प्रॉपर चढ़ाई है, मतलब बैठ बैठ के टाइप चढ़ना पड़ रहा है, बैठ के नहीं होता, बहुत झुक के चढ़ना। बता रहे थे 5-6.5-6 घंटे का ट्रैक बता रहे थे, 3 घंटे में कंप्लीट कर दिया है। 2.5 घंटे तो हो गए, आधा घंटा और रह गया, वो कर देंगे। ऊपर चढ़ना है बस, वो जो दिख रहा है ऊपर लास्ट वहाँ तक, तो 3 घंटे में ट्रैक कंप्लीट कर लिया। रुके नहीं, एक दो जगह रेस्ट लिया, यहाँ बहुत ही सांस चढ़ गई थी, पानी भी ख़त्म हो गया, आगे झंडे पैसे भरेंगे। हाँ जी, एक को मज़ा आ रहा है, बैटरी डाउन है अभी। हाँ भाई आ गए, अभी आधी की तो बात किया था, नहीं भाई का ब्लॉग चल रहा है। हाँ मज़े आ रहे हैं। नहीं कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पर? 3.5 घंटे से ऊपर हो गए। 3.5 घंटे से ऊपर हो गए। मैं फुलगा से आ रहा हूँ, फुलगा से। अच्छा, ट्रैक कंप्लीट हो गया है, 3 घंटे में ट्रैक कंप्लीट कर दिया। 11:15 बजे निकले थे, 2:15 बजे पहुंच गए, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, ऐसा है। और ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ले लिया, यहाँ खाने पीने का है, ये कैंप है अपना, ये दोनों पड़े हुए हैं, तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ले लिया। अम्मा जी मिल गई थी एक उन्हीं से, 500 रुपये में कैंप मिल गया अपने को। और ऊपर हैं अभी कैंप्स वगैरह, और ऊपर ही वो कुंड, और मतलब गर्म पानी स्नान के लिए जो आता है वो, और मंदिर ऊपर ही है, तो अभी ऊपर जाएंगे। बारिश पड़ रही थी अभी, जस्ट अभी धूप निकली है तो बाहर निकला हूँ। हवा चल रही है बहुत तेज़, ठंड लग रही है। और ये पहाड़ दिख रहे हैं इधर भी, ऊपर से भी व्यू है, तो ऊपर से और व्यू अच्छा है, तो ऊपर चलते हैं, अभी ऊपर बैठेंगे थोड़ा। तो इस ट्रिप में मतलब ज़्यादातर सिनेमेटिक वगैरह नहीं ले पाया हूँ मैं, नॉर्मल व्लॉगिंग ही की है। थोड़ा बताने की कोशिश करी है कि जितनी भी टूरिस्टिक प्लेस हैं, शिमला मनाली वगैरह, उनसे अलग भी ये जगहें भी हैं, तो यहाँ भी तुम एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत कम खर्चे में। तो ये भी एक व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू मेरा, कि हाँ बहुत कम खर्चे में बहुत दिनों तक रह सकते हो। तो हमारा ये था, हमें पूरी पार्वती वैली एक्सप्लोर करनी थी, यहाँ के गाँव वगैरह, देन हम फिर इधर आए थे, तो भाई कब मनाली में बचपन में आया था, तो फिर यहाँ आए हैं तो मनाली वगैरह भी देख के जाएँ। तो हमने पूरा 5-6 दिन दिए थे पार्वती वैली को, और 3-4 दिन दिए थे हमने मनाली और शिमला के लिए। तो ये प्लान था हमारा। शिव जी के टेंपल पर अभी दर्शन करके आएंगे, और व्यू देखो कुछ ऐसा है, ये पूरी वैली दिख रही है यहाँ से, और इधर देखो सुपर व्यू भाई, सुपर। और नीचे कैंप्स वगैरह हैं पूरे में। ये कुंड हुआ करता था, ये बंद कर दिया गया, तो 1.5-2 साल हो गए कुंड को बंद हुए। अब नीचे जो है वहाँ नहा रहे हैं बंदे, दिखाता हूँ, अभी पाइप चल रहे हैं। इस जगह का नाम खीरी गंगा इस वजह से पड़ा, क्योंकि सतयुग में यहाँ पर
सतयुग में यहाँ पर पार्वती जी और शिव जी और कार्तिकेय जी यहाँ रहा करते थे। तो यहाँ खीर की गंगा बहा करती थी और कलयुग में लड़ाई ना हो इस वजह से परशुराम जी की कृपा से यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया, तो उसको नॉर्मल गंगा में चेंज कर दिया गया। तो ये स्टोरी यहाँ की। ऊपर कार्तिकेय जी की गुफा भी है कहीं, तो वो मे बी वो है मेरे हिसाब से। अभी उसका रास्ता देखेंगे किधर से है तब जाएंगे, अभी थोड़ा यहीं बैठते हैं। आंटियों वाला ग्रुप भी आ चुका है, 4:30 बज रहे हैं इस टाइम और हम 2:15 आ गए थे, 1.5-2 घंटा हो गया इन्हें और एक्स्ट्रा। और व्यू कुछ ऐसा है, बेहतरीन एकदम। हर सेकंड मतलब हर सेकंड तो नहीं, हर 5-10 मिनट बाद व्यू चेंज हो रहा है। कभी वो फॉग जो है ऊपर वाला हट जाता है तो बिल्कुल वाइट वाइट पहाड़ दिखते हैं, मस्त है एकदम भाई नज़ारे। इधर भी वैली है पूरी, इधर भी पहाड़ है और पीछे मंदिर है ही, और ऊपर कार्तिकेय गुफा है वहाँ भी जाएंगे हम। मज़े आ रहे हैं, सुकून है सुकून। ये यहाँ कार्तिकेय ने तपस्या की थी ऐसा मानना है। यह ऐतिहासिक कार्तिकेय गुफा, व्यू देखो भाई केड़ा बेस्ट। मेरो भैया चला के चलो, पत्थर देखो इतने खतरनाक पत्थर है भाई जी, तो तार करके चलो ये अंदर। ये गुफा कार्तिकेय जी गद्दा बिछा रखा है थोड़ी बहुत देर मेडिटेशन वगैरह करने के लिए। अभी वही खाना पीना खा के दोबारा से ऊपर निकला हूँ और कैंप दिखाना भूल गया मैं आपको, कैंप दिखाऊंगा कल सुबह, याद नहीं रही मुझे कैंप दिखाने की। बढ़िया है कैंप भी, अभी बॉन फायर वगैरह लगाई हुई है, रोहित ने ताप रहे हैं। एक भाई और मिल गया है दिल्ली का, वो और हमारे कॉलेज का मान है दोस्त, वो भी मिल गया, वो अपने दो दोस्तों के साथ आया हुआ है। अभी वो नहाने गया, टाइम हो गया काफ़ी, आए ही नहीं है। तो अभी ऊपर जाके तुम लोगों को व्यू दिखाता हूँ क्या व्यू आ रहा है ऊपर से रात का। ऐसा कुछ व्यू है, मैं ज़्यादा ऊपर जा नहीं रहा, कैफेज वगैरह का ये सब टेंट वगैरह का, ठंड लग रही है ऊपर नहीं जा रहा अब। ये वहाँ पहाड़ भी दिख रहे हैं, स्नो ऐसा कुछ। ये ऐसे हैं कैंप्स वगैरह, ऊपर काफ़ी स्पेस है। ये हैं अपने कैंप, ये हमारा है, ये दिल्ली वाले भाई का है, ये जला रखी है रोहित भाई ने। ये अलग रूल बना रखे ने, दो ही रोटी देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये थी हमारी कैंप साइट, यहाँ ऐसे कुछ, यहाँ रात को आग जलाई थी, अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं बॉन फायर। ये ऐसा कुछ है, वहाँ पर खाना पीना हमारा। बाय बाय, जा रहे हैं दादी को छोड़ के हम। ये था कैंपिंग, हाँ कृष्णा कैंपिंग स्टार्टिंग में ही है बिल्कुल। ठीक बाय, बढ़िया है दादी एकदम। और अब उतरते हैं, चढ़ने में 3 लगे थे, देखते हैं उतरने में 2.5 लग जाए लगेगा। उतर आए हैं, लास्ट पोर्शन है ट्रैक का एकदम, 10 मिनट का रास्ता रह गया कालगा के लिए। और क्योंकि ये उधर से आते हैं तो ये फर्स्ट झरना पड़ता है और इधर से लौटे हुए तो लास्ट झरना,
दस मिनट का पोर्शन रह गया, बस पहुंच गए। 2 घंटे में ट्रैक कंप्लीट कर दिया वापसी का, तो मज़े आ रहे हैं। और जाते सबसे पहले दक्षु को कॉल लगाऊंगा, भाई वहाँ इंटरनेट नहीं था बिल्कुल, उसी की वीडियो देखी है मैंने रात भर फोन में, दक्षिता की, उसी को कॉल लगाऊंगा जाके। दक्षिता जिसको नहीं पता मेरी भतीजी है छोटी सी 2 साल की, उससे बात करूँगा जाते। अभी इंटरनेट आने वाला है थोड़ी बहुत देर में। वो दिख गया सामने पत्थर, और यही है कैफे पीछे ही, तो बैग उठाते हैं और फिर पुलगा के लिए निकलते हैं। आज रात का स्टे रहेगा पुलगा में, और फिर कल निकलेंगे डायरेक्ट कुल्लू होते हुए मनाली, ट्रैक कंप्लीटेड। यहाँ से बैग उठा के निकलते हैं पुलगा के लिए, थोड़ा रेस्ट करेंगे, पानी वानी पीते हैं। और रॉकी भाई भैया बैग अब यहाँ से निकलेंगे, तो ये ब्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म, श्रीगंगा ट्रैक का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।